हेलो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माय ब्लॉगर बीना शर्मा। और आज का ब्लॉग मैं काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ। मेरा सुबह का सारा ही काम हो गया था, चाय नाश्ता पूजा वूजा भी हो गई थी आज तो। और मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, सुबह ही धो लिए थे मैंने। यहाँ पे मेरी बेटी क्रोशिया बनाना सीख रही थी। अब घर पे ही हैं बच्चे तो क्या करें, मुझे कहती है कुछ सिखा दो, तो उसको क्रोशिया बनाने का शौक लगा हुआ है आजकल, वही बना रही थी। वो 3-4 दिन से ट्राई कर रही थी, तो आज उसने ये बना के दिखाया मुझे। और आज थोड़ा काम से मैं बाहर गई थी, उसका ही वीडियो थोड़ा सा मैंने शूट किया था। सुनसान जगह है, कोई नहीं मिल रहा था रास्ते में, बिल्कुल बंद है। मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे सारी बातें कर रहे थे हम सब लोग मिलके, खूब हंसी मजाक हो रहा था यहाँ पे। बच्चे भी आपस में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को ही परेशान करते रहते हैं वो। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आजकल, तो बस घर में बंद रहो। और आज किचन में हस्बैंड आए हैं काफी टाइम के बाद, वो भी परेशान हो गए हैं घर पे, तो कहते हैं चलो आज मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ खाने में। सब्जी में छौंक लगा रहे थे वो, मैं देख रही थी कि कैसे लगा रहे हैं वो, अपना ही स्टाइल उनका। मिलजुल के काम करें तो और भी जल्दी हो जाता है। छौंक लगा दिया था उन्होंने और उसके बाद वो चले गए। अब मेरे हवाले हो गई किचन, बाकी का काम मैंने ही संभाला। बस इसी तरह से दिन कटते रहते हैं। उनके लिए रोटी बनाई थी मैंने, और हम सब तो चावल ही खाते हैं दोपहर में, तो वो बना के हो गए थे मेरे। मैं किचन साफ कर लूँगी। आप लोग किस तरह से टाइम पास करते हो मुझे बताइएगा। शाम हो चुकी है, चाय पी रहे थे हम लोग, तो मैंने सोचा साथ साथ में नेल पेंट भी साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ सामान भी नहीं बचा है, जो है उसी में से गुजारा करना पड़ रहा है। वही निकाल के लगा रही हूँ मैं। आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।